हाय फ्रेंड्स, आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो पपीते से आप अपने चेहरे की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर आप पपीता सही ढंग से लगाएंगे तो 40 की उम्र आपकी 25 की लगने लगेगी। तो आइए देखते हैं पपीते में क्या ऐसा है जिससे आपकी समस्या दूर होती है। पपीते को आप पहले काट कर फ्रिज में जमा दें, टुकड़े टुकड़े कर कर जमा दें। फिर आप पपीते का एक पीस लें और एकदम प्योर दूध 1 चम्मच दूध डालें। इन दोनों को मिक्स करके आप चेहरे पर, गले पर, बाहों पर, हाथों पर लगाएंगे तो आपके हर तरह के धब्बे ठीक हो जाएंगे। इसको लगाने का तरीका, आप इसको लगाकर छोड़ दीजिए, कम से कम आधा घंटा छोड़ दीजिए। फिर गुनगुने पानी से हल्की सी मसाज करके धो लीजिए। अगर आप इस तरह से 15 दिन तक भी करते हैं तो आपका चेहरा धब्बों से दूर हो जाएगा। चलिए आते बताते हैं दूसरा, पपीता और शहद। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि पपीते को पीस करके और आप जमा लीजिए। 1 चम्मच पपीता, 1 चम्मच शहद, दोनों को मिलाकर मिक्स कर लें। मिक्स अच्छी तरह से करें जब तक अच्छी तरह बिल्कुल वो हो जाए और आप देखेंगे कि आपकी अगर ड्राई स्किन है तो धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाएगी। लगाने का तरीका वही है, 15 मिनट तक लगाइए, सुखाइए, मसाज कीजिए और पानी से धो लीजिए। तीसरा, पपीता और चावल का आटा मिलाकर लगाने से ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन होने लग जाती है। मिलाकर आप इसे हल्का हल्का स्क्रब की तरह मसाज करें जिससे आपका चेहरा एकदम नॉर्मल हो जाएगा। अब हम आपको बता रहे हैं चौथा, पपीता और नींबू को मिलाकर आप अगर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपकी झाइयाँ धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी झाइयाँ बहुत पुरानी हैं तो इसमें 3 महीने भी लग सकते हैं। आपके हिसाब से सही लगता है तो आप शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें।